हेलो, दिस इज़ आलिया आगा। आज मैं आपके लिए बहुत छोटा सा योगा प्रोग्राम लाई हूँ, छोटा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव। इट्स ए क्विक प्रोग्राम जो आप सुबह कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग। ये सिर्फ 7 मिनट्स का है। अगर आप देखें तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पोजिशंस नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए और बहुत से दूसरे बेनिफिट्स के लिए अगर आप ये करें तो आपको लगेगा कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को साथ इकट्ठा कर लीजिए और अपने स्पाइन को सीधा कीजिए, रीढ़ की हड्डी को, और यहाँ से आपने कोहनियों को बेंड कर लेना है। मुट्ठियाँ बना लें हल्की सी। सांस लेते हुए आपने अपनी कोहनी उठानी है और सांस निकालते हुए कोहनी को नीचे लाना है। ये हम रैपिड ब्रीदिंग करेंगे और 9 सांसें हमने इस तरह से लेनी है। तो मैं करके दिखाती हूँ। रिलैक्स कीजिएगा। ऑलरेडी से आपको महसूस होगा थोड़ा सा सांस चढ़ा है। यहाँ से खुद दोनों कोहनियों को पकड़ लीजिए और बाजू उठा लीजिए। सर को बिल्कुल बाजू के बीच में कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके कानों के साथ बाजू आए और अब आपने सीधे हाथ की तरह अपनी बॉडी को बेंड कर देना है। होल्ड करके रखें इस पोजीशन को, सांस लेते रहिए। बगल में खिंचाव महसूस होने दीजिए। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पर चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप बाजू पीछे रखेंगे तो ज़्यादा फायदा है, सामने ना लाइएगा कोहनी को। अब बीच में आइए और यहाँ से आपने सीधा हाथ नीचे कर दीजिए ताकि उल्टा हाथ ज़्यादा लंबाई की तरफ हो जाए और वो खींचे, पूरी लेफ्ट साइड आपकी खींचे। इसी तरह से विनमिल करते हुए आपने सीधा बाजू उल्टी तरफ मोड़ना है ताकि पूरी सीधी साइड जो है वो स्ट्रेच में आ जाए। रिलीज कर लीजिए। दोनों हाथों को आपने अब साथ जोड़ना है ताकि बैलेंस रहे, या फिर दोनों हाथों की उंगलियों को बुन लीजिए। उल्टी टांग को उठा लीजिए, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ रखिएगा, बस घुटने पे ना लाइएगा इसे, और चंद सांसों के लिए खड़े हो जाइए। इस तरह से हम सीधी टांग जो ज़मीन पे है उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं और ये वार्म अप के लिए बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता से अब आपने पैर रखा है और सीधी टांग उठा के उल्टी टांग के ऊपर आपने पैर को जमा लेना है। यहाँ हम सीधी टांग से ज़्यादा उल्टी टांग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टांग जमीन पे है। चंद सांस लीजिएगा। कभी कभी बैलेंस मुश्किल हो जाता है तो कोशिश कीजिएगा नज़र एक पॉइंट पे रहे। रिलीज कीजिए। अब हम मैट के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। यहाँ से आपने सांस लेना है और ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठे चेयर पोज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, सीधा बाजू लाइए उल्टे घुटने की तरफ और उल्टा बाजू पीछे की तरफ ले जाइए। रिलीज कीजिए, इनहेल एक्सहेल, उल्टा बाजू सीधे घुटने की तरफ और सीधा बाजू पीछे की तरफ। रिलीज कीजिए, इनहेल करेंगे, सांस लेते हुए नीचे आइए, मोड़ लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो पैर बेशक खोल लीजिए यहाँ से और हाथ जमीन पर जमा लें, सर को बिल्कुल लटकने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से पैर को साथ लाइए और प्लैंक पोजीशन में चले जाएं, टांगों को पीछे ले जाइए। चंद सांसों के लिए आप यहाँ रुकें, घुटनों को नीचे कीजिए और चाइल्ड पोज में बाजू लंबा खींचते हुए रेस्ट करें। दोबारा से 3 सांसों के लिए रुक जाइए प्लैंक पोजीशन में, घुटने नीचे कीजिएगा, चाइल्ड पोज में माथा जमीन पर जमा लीजिए और सांस लीजिए। एक दफा और प्लैंक पोजीशन में आ जाए।
पीछे जाते हुए माथा नीचे लाइए, अब प्लैंक पोजीशन से हम सिंगल आर्म प्लैंक यानी एक बाजू के ऊपर प्लैंक करेंगे, सीधा प्लैंक सीधा बाजू बीच में लाइए, उल्टा बाजू जिस्म के ऊपर रख लीजिए, पुश करके रखिएगा इधर, वापस आ जाए, घुटने नीचे लाइए, चाइल्ड्स पोज में आ जाए, दोबारा से प्लैंक पोजीशन में आइए और उल्टा बाजू बीच में लाते हुए सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए। बीच में आइए चाइल्ड्स पोज, फिर दोबारा से रेस्ट कीजिए। यहां से आप अपने घुटनों पे आ जाए, दोनों हाथों की उंगलियों का आप बुन लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप यहां से अपने सर को पीछे ना फेंके लेकिन पूरी बॉडी को आपने पीछे की तरफ ले जाना है, आपके टांगों में खिंचाव आना चाहिए और सर में इसमें स्ट्रेन नहीं पहुंचना चाहिए। होल्ड करके रखें, रिलीज कर लीजिए। यहां से आप ट्विस्ट करेंगे, उल्टा हाथ जो है सीधा हाथ जो है उल्टी घुटने पे है और उल्टे शोल्डर से आपने इसको धकेलते हुए जिस्म को मोड़ना है। इसी तरह से दूसरी तरफ मुड़ जाइए, शोल्डर का इस्तेमाल करें, रिलीज कीजिए, पैरों को सामने निकाल लीजिए, पैरों को जमीन पे जमाइए, उंगलियों को बाहर की तरफ लाइएगा, यहां से हिप्स उठाएं और सर को आपने बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ सीधे रखना है। ये ऐसे है जैसे टेबल पोजीशन होती है, बिल्कुल टेबल की तरह। रिलीज कीजिए, दोबारा से चलते आइए, चंद सांस लीजिए, रिलैक्स। आई होप आपको ये पसंद आया हो और अगर आप ये रोज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट्स इसके बहुत जल्द नज़र आएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और भी नई नई बातें और नई नई चीज़ें आपके पास पहुँचें, और वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, हमारे न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें www.aliyaagha.com।